हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा का पूरी प्रेगनेंसी में क्या रोल रहता है, ये हमारी प्रेगनेंसी में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है और प्लासेंटा को लेकर कुछ बातें बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, जैसे कि एंटीरियर प्लासेंटा होने पे बेबी गर्ल होती है या फिर पोस्टीरियर होने पर बेबी बॉय होता है। तो हम ये भी जानेंगे ये जो है कितने परसेंट सच है। वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लासेंटा होता क्या है। प्लासेंटा जो होता है उसको हम हिंदी में बीजांडासन या फिर अपरा भी कहते हैं और कुछ लोग इसको जो है कुरैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं प्लासेंटा होता कैसा है। देखिए, प्लासेंटा जो होता है वो एक थैली के टाइप में होता है, बिल्कुल गोल होता है और इसमें जो है ब्लड वगैरह होता है और भी काफी चीजें होती हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो चारों तरफ से इसके नसें टाइप में फैली रहती हैं क्योंकि ये एक प्रकार का अंग होता है। ठीक है, ये पूरी प्रेगनेंसी में एक अंग का काम करता है। हाँ, वो बात अलग है कि डिलीवरी होने के बाद में इसको जो है बिल्कुल फेंक दिया जाता है, मतलब ये एक अंग है लेकिन ये अंग जब तक काम करता है जब तक कि हमारी प्रेगनेंसी रहती है, उसके बाद में इसको हम हटा देते हैं। ये जो प्लासेंटा होता है जो गर्भनाल होती है उससे जुड़ा रहता है और आपने देखा होगा कि गर्भनाल जब बच्चा पैदा होता है तो काफी लंबी सी नाल होती है और जिसको हम इंग्लिश में अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो जब हमारा बेबी हो जाता है तो उसको जो है कट कर दिया जाता है और बाकी वो नाल और प्लासेंटा हटा दिया जाता है। जो नाल होती है वो बेबी की नाभि से कनेक्ट रहती है। अब हम बात करते हैं कि प्लासेंटा हमारी प्रेगनेंसी में क्यों जरूरी है। देखिए, प्लासेंटा के बिना प्रेगनेंसी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, हम जानते हैं क्यों। इसका रीजन ये है, प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो होता क्या है कि उस समय बेबी जो है हमारा एक दिन से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो बेबी जो होता है वो एक दिन में ही बड़ा नहीं होता, उसके तुरंत ही अंग विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको बढ़ने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए, उसका डेवलपमेंट होने के लिए उसको जो है पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, उसको जो है ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, उसको जो है ब्लड की भी जरूरत पड़ती है, उसको काफी चीजों की जरूरत पड़ती है। बेबी का कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं होता है जिसके थ्रू जो है बेबी डायरेक्ट ले ले। ठीक है, तो ये जो प्लासेंटा जो होता है वो कुदरत की देन होता है। कुदरत ने इसको इस तरीके से बनाया है हमारे बेबी के लिए स्पेशल। गर्भनाल होती है बेबी की जो नाभि से जुड़ी रहती है, उसके थ्रू जो प्लासेंटा होता है माँ की बॉडी से सारे पोषक तत्वों को लेके, हर चीज को लेके जो है हमारे बेबी तक पहुंचाता है। ठीक है, मतलब प्लासेंटा एक तरीके से माँ का काम करता है। प्लासेंटा की वजह से ही हमारे शिशु को जो है अच्छा जीवन मिलता है, हमारा शिशु जो है पूरी प्रेगनेंसी डेवलपमेंट अच्छे से कर पाता है, ग्रोथ अच्छे से होती है उसकी। उसमें सारा रोल जो होता है वो प्लासेंटा का होता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि प्लासेंटा क्यों जरूरी होता है। अगर हम बात करें प्लासेंटा के वजन की, प्लासेंटा का जो वजन होता है बच्चे के वजन का छठवां हिस्सा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बेबी 3 किलो का है तो आपका जो प्लासेंटा होगा वो लगभग 1/2 किलो के आसपास होता है। ठीक है, जब आपके 9 मंथ कंप्लीट हो जाए तो आप अल्ट्रासाउंड करवाइएगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में अगर आपका बेबी जो है 3 किलो का शो कर रहा है तो अगर आपकी उस समय डिलीवरी होती है आसपास तो आपका बेबी 2.5 किलो के आसपास ही निकलेगा। ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो प्लासेंटा होता है वो हमारे बेबी के लिए कौन कौन सा काम करता है। सबसे पहला काम, हमारे बेबी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो प्लासेंटा क्या करता है, वो माँ के ब्लड से अंदर से ऑक्सीजन को खींच करके बाबू तक पहुंचाता है। ठीक है, तो बेबी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो प्लासेंटा क्या करता है कि बेबी की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको वहां से लेके वो माँ के ब्लड में वापस छोड़ देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, बैलेंस बिल्कुल बराबर बना रहता है क्योंकि इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन लेना भी बहुत जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा काम ये करता है, हमारे बेबी की जो है बीमारियों से रक्षा करता है। जानते हैं कैसे, देखिए होता क्या है, माँ को जो है प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई बीमारी होती है, मान लीजिए सर्दी खांसी जुखाम या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो प्लासेंटा बेबी तक आसानी से नहीं पहुंचने देता है, वो पूरी तरह से बेबी की जो है रक्षा करता है। प्लासेंटा जो होता है वो बच्चे की जो गंदगी होती है वो भी बाहर करने में सहायक होता है। बच्चा जो है गर्भाशय के अंदर यूरिन भी पास करता है और कुछ यूरिक एसिड होता है, सारी चीजें जो भी गंदगी होती है उसको प्लासेंटा जो है बाहर कर देता है। गर्भ में हमारे शिशु को जो है एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है तो प्लासेंटा के अंदर क्या रहता है कि ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है। तो जो प्लासेंटा होता है समय समय पर वो जो ग्लूकोज होता है वो बेबी को प्रदान करता रहता है, इससे बेबी को प्रॉपर एनर्जी मिलती रहती है। प्लासेंटा जो है माँ के शरीर से जो ब्लड होता है उसको बेबी तक पहुंचाने में पूरी तरह से मदद करता है और ये जो भी चीजें प्लासेंटा पहुंचाता है वो सारी चीजें जो गर्भनाल जो हमारे बेबी की नाभि से जुड़ी रहती हैं वो इसके थ्रू ही पहुंचती हैं।
और प्लासेंटा जो है हमारे बेबी के लिए पोषक तत्व की भी कमी पूरी करता है। माँ जो भी खाती है प्लासेंटा क्या करता है कि माँ के शरीर से सारे पोषक तत्वों को लेके हमारे बेबी तक पहुंचाता है, जिसके थ्रू हमारे बेबी का अच्छा डेवलपमेंट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि माँ को इस समय ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजें खानी चाहिए। आयरन, कैल्शियम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सारी चीजें बहुत ही अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए ताकि हमारे बेबी की ग्रोथ में कोई भी रुकावट ना आए। और पानी भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। प्लासेंटा जो है माँ और बच्चे के बीच में अच्छा संबंध बनाए रखता है। तो अब आप तो समझ ही रहे होंगे कि हमारी पूरी प्रेगनेंसी में प्लासेंटा का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो अब हम जानेंगे कि एंटीरियर प्लासेंटा क्या होता है। देखिए, एंटीरियर प्लासेंटा का मतलब होता है आगे की ओर। कहने का मतलब है कि जो हमारा पेट होता है उसमें प्लासेंटा आगे की ओर आ जाता है और जो हमारा बेबी होता है वो बैक की ओर चला जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी की तरफ पीछे की साइड हो जाता है। तो इसी पोजीशन को हम बोलते हैं एंटीरियर पोजीशन। और जिन महिलाओं की एंटीरियर पोजीशन होती है उन महिलाओं को जो बेबी की मूवमेंट होती है वो बहुत जल्दी पता नहीं चलती है। इसका रीजन होता है कि बेबी पीछे को हो जाता है, प्लासेंटा आगे होता है, तो हमें जो भी हलचल महसूस होती है वो हमें पेट में होती है। ठीक है, तो जब बेबी ही पेट के पास नहीं रहता है तो इसलिए हलचल काफी लेट महसूस होती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर प्लासेंटा क्या होता है। तो पोस्टीरियर प्लासेंटा का मतलब होता है कि जो हमारा प्लासेंटा होता है वो हमारी बैक की साइड में रहता है और जो हमारा बेबी होता है आगे की तरफ पेट की तरफ रहता है। तो जिन महिलाओं की पोस्टीरियर प्लासेंटा होता है उनको बेबी की जो मूवमेंट है बहुत जल्दी फील होना स्टार्ट हो जाती है और उनको काफी अच्छे से महसूस होती है। यही रीजन होती है कि कुछ महिलाओं को जल्दी फील होना स्टार्ट हो जाती है तो कुछ महिलाओं को लेट फील होना शुरू होती है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। एंटीरियर प्लासेंटा हो या पोस्टीरियर हो या फिर लो लाइन प्लासेंटा हो, कहने का मतलब है प्लासेंटा कहीं भी हो, इससे ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है गर्भ में पल रहा बेबी बॉय है या फिर गर्ल है। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत ही क्लियर समझाया और ये सारी जो है बिल्कुल फालतू बातें हैं। प्लासेंटा के थ्रू बेबी गर्ल या फिर बॉय का पता कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है प्लासेंटा को लेके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।